सिर्फ जुमलेबाजी है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं मेरे भाई, एक वाक्य सुनाता हूं आपको। एक राजा था, राजा के महल में एक शख्स नौकरी मांगने आता है और राजा से कहता है कि सरकार मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे काम दे दे। राजा पूछता है क्या जानकारी रखते हो काम के बारे में। वो कहता है कि मैं अच्छी सलाह देता हूं, लोगों को परखने का अच्छा नजरिया रखता हूं। राजा उसे काम पर रख लेता है और घोड़े के अस्तबल में इंचार्ज लगा देता है। राजा चंद दिनों में, थोड़े दिनों में उससे पूछता है सबसे महंगे घोड़े के बारे में, कहता है कि बता तेरा इस घोड़े के बारे में क्या ख्याल है। तो वह शख्स कहता है कि सरकार नस्ली नहीं है। राजा परेशान हो जाता है, इतना महंगा घोड़ा नस्ली नहीं। वो शख्स को बुलाता है जिससे वो घोड़े को खरीदता है, उससे पूछता है बता ये क्या माजरा है, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। वो कहता है सरकार बचपन में इस घोड़े की माँ गुजर गई थी, ये गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। वो राजा जाता है उस शख्स से पूछता है तुझे क्या मालूम कि ये नस्ली नहीं है। तो वो कहता है कि नस्ली घोड़ा जब घास खाता है तो घास को मुंह में भरकर गर्दन को ऊपर उठाकर खाता है, ऊपर उठा के खाता है, और ये गाय की तरह सूंघ सूंघ कर घासों को चबाता है। राजा खुश होता है, राजा उसे इनाम में अनाज, भेड़, बकरी, मीट, तरह तरह की चीजें देता है मेरे भाई। फिर राजा उसे अपनी रानी के महल में लगा देता है। राजा चंद दिनों में पूछता है तेरा महारानी के बारे में क्या ख्याल है। वो कहता है शहजाद सरकार पहनने ओढ़ने से तो महारानी लगती है लेकिन शहजादी नहीं है। राजा परेशान हो जाता है, फिर अपनी सास को बुलाता है, कहता है बताओ माजरा क्या है। सास कहती है कि बेटा तुम्हारे अब्बा जान ने बचपन में रिश्ता तय कर दिया था और हमारी बेटी का इंतकाल हो गया और तुमसे रिश्ता रखने के लिए इसको बाहर से गोद ले लिया। राजा जाता है उससे पूछता है तुझे कैसे मालूम ये शहजादी नहीं थी। वो कहता है पहनने ओढ़ने से शहजादी नहीं, इसकी जो हरकत अवाम से है। राजा चंद दिनों में अपने महल में उससे पूछता है अब तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो राजा कहता है, वो कहता है सरकार पहले वादा करो जान से नहीं मारोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, राजा वादा कर लेता है, फिर पूछता है बताओ। वो कहता है नहीं तो आपकी हरकत शहजादे जैसी, ना ही आप शहजादे लगते हो। राजा फिर परेशान, वादा कर रखा होता है जान से नहीं मारूंगा। गुस्से में अम्मी के महल में जाता है, अपनी अम्मी से पूछता है अम्मी जान माजरा क्या है। वो कहती है बेटा हमें कोई औलाद नहीं थी इसलिए तुझे चरवाहे से गोद ले लिया। राजा जाकर उससे पूछता है तुझे कैसे मालूम मैं राजा नहीं। वो कहता है कि राजा किसी को इनाम में कुछ देता है तो दौलत शौहरत हीरे जवाहरात मोती देता है, तुम भेड़ बकरी अनाज तरह तरह की ये चीजें देते हो तो ये राजा की हरकतें नहीं। तो मैं इसी की बात को बता रहा हूं कि इंसान की पहचान उसकी नस्ल बताती है। ऐसे ही ऐसे एक चाय वाला मुल्क का वजीर आजम बन गया। वो लोगों से कहता है कि पकौड़े बेचो पकौड़े बेचो, तो एक चाय वाला पकौड़े बेचने की सलाह दे सकता है मेरे भाई, रोजगार नहीं दे सकता हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि चाय के साथ पकौड़े का बिजनेस अच्छा चलता है मेरे भाई।